हापुड़ की फ्रीगंज रोड पर स्थित कचहरी के बाहर हुए शूटआउट मामले में हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह, कचहरी दरोगा इंचार्ज रमेश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं हापुड़ क्षेत्राधिकारी एस एन वैभव पांडे को सर्किल से हटाया गया है। आज दिनांक 16/8/22 को सुबह के समय लगभग 10:45 पे कचहरी के बाहर एक हरियाणा पुलिस के द्वारा कैदी जो जिसका नाम लखन सिंह उर्फ यशपाल पुत्र मुनिपाल, जो कि सूरजकुंड थाना क्षेत्र जनपद फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है, उसको यहां पर पेशी पे लाया गया था। कचहरी के बाहर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकरण में मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से जो चौकी इंचार्ज कचहरी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो SHO हापुड़ नगर हैं उनको भी मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जो CO सिटी का चार्ज देख रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से उनके चार्ज से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह कचहरी के बाहर पेशी पर आए एक कैदी की 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। तीनों बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब रहे। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूगर ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह, कचहरी दरोगा रमेश को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सर्किल ऑफिसर SN वैभव पांडे को सर्किल से हटाया गया है। अरे ये इमरजेंसी डॉक्टर वाला तो पता नहीं।